क्या कहेंगे आज, ये तो आपका जन्मभूमि है जहाँ आप घूम रहे हैं। देखिए ये हमारा गांव है, है ना, हम लोग यही जन्म हुआ, यही पले सब कुछ यहाँ हुआ जी। तो पूरा पूरी गांव का 100% समर्थन हाँ। हमको मिल रहा है, पूरे गांव के लोग हाँ। चल दिए हैं, घर छोड़ करके निकल चुके हैं हाँ। तो इसके पहले आपने बयान दिया था कि हमको यहाँ पर भ्रष्टाचार को मिटा देना है और जो माहौल यहाँ पर लूट खसोट का मचा है उसको दूर कर देना है, तो ये मुद्दा जो है आप लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है इसीलिए लोग आपके पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं क्या? हाँ, मान लीजिए मुद्दा का मतलब है जो भी यहाँ का विकास हाँ। हुआ है जी। पूरा नगर पंचायत का जनता देख रही है हाँ। कि क्या विकास हुआ है, कहीं धस गया, कहीं उल्टा बह रहा है। उसके बाद कल एक ठो बयान देखे हमारे जो चेयरमैन साहब हैं पहले वाले हाँ। तो उनको अब घबराहट पैदा हो गया है, अब वो घबरा चुके हैं देख करके। आज पता लगा कि दो बस तरकुलही भवानी मीट और वहाँ मीट का मीट दारू पार्टी चल रहा है अच्छा। वहाँ पर है ना, तो मीट और दारू से खिला करके जनता को ओबलाई नहीं किया जा सकता है। बदलाव हो, बदलाव के मूड में पूरा पूरा नगर पंचायत बदलाव के मूड में है। इन लोगों का घोटाला देखते देखते सारे लोग का ही हो गया है। अभी पूरे नगर पंचायत में हम लोग एक एक घर का दौरा किए हैं। हमको ईओ साहब से बात हुआ, नगर पंचायत के जो ईओ हैं, ईओ साहब से बात हुआ तो वो बोले कि, हम बोले कि भाई पूरे नगर पंचायत में नलका का पानी कहीं एक पीस दिखा दीजिए हमको, लेकिन कहीं नलका का पानी नहीं चल रहा है और सारा सारा का एस्टीमेट बन रहा है, काम हो रहा है, ले किसी को पानी नहीं मिल रहा है हाँ। ये स्थिति है हाँ, ये स्थिति है, एकदम लूट खसोट का एकदम, मतलब कि ये अंबार हो गया, अंबार। तो देखिए कृष्णा कुशवाहा ने कहा कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, खास करके यहाँ वर्तमान जो चेयरमैन हैं, उनके ऊपर इन्होंने जोरदार हमला बोला है और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि पिकनिक पार्टी मनाया जा रहा है और जिस तरह से दारू शराब मीट मुर्गा का लालच दे करके मतदाताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, इसका करारा जवाब नगर पंचायत के चुनाव में जनता देगी। चूँकि शराब और मीट मुर्गा यहाँ की जनता नहीं चाहती है, व्यवस्था में सुधार चाहती है, विकास चाहती है, अमन जी। देखिए जिस तरह से नाराबाजी हो रहे हैं, काफी लोग आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं और कृष्णा कुशवाहा के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं जी। हमला क्या किया जाए, हमला हमको नहीं करना है, हमला तो किया जाए तो एक घंटा का वक्त चाहिए हाँ। तो अब जितना जो घोटाला और हाँ जो ये लोग कुकर्म किए हैं हाँ। ये घंटों का रिपोर्ट बन जाएगा हाँ। इन लोग का मुंह दिखाने लायक लोग है नहीं यहाँ पर। अब ये लोग कोई तरकुला भवानी जा रहा है, रोज 20 किलो मीट बन रहा है, दारू बटा रहा है, सकरा गांव में दारू बन रहा है, कहीं लंगड़पुरा में कहीं दारू और मीट का पार्टी चल रहा है। इन लोग के पास उसी पर अब भरोसा है कि दारू मीट खिलाकर ही अब हम लोग जो वोट मिलना होगा, दारू और मीट खिलाकर ही दारू मिला, इन लोगों को समर्थन लोग करेगा। नेताजी महरवा के नगर पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था डस्टबिन घोटाला, फॉग घोटाला, लेकिन अब एक यहाँ पे भू माफिया भी कुछ नाम आ रहा है सुनने को, इसमें क्या सच्चाई? देखिए कल एक ठो बयान हम सुने थे, हमारे छोटे भाई हैं सुनील जी जो यहाँ के चेयरमैन के पुत्र हैं, ये लोग जो है ना महरवा धाम पर दारू के दुकान पर ये लोग चिखना देते थे, है ना। इन लोग का अगर सर्वे करा दिया जाए, जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज वो कम से कम 10 करोड़ के मालिक हैं, कहाँ से ये रुपया आया इतना कि 10 करोड़ के मालिक कैसे बन गए? अनेकों ज़मीन खरीदा गया महरवा में, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बन गया। दारू के चिखना बेचने से नहीं होगा। आ इनके ऊपर पहले यहाँ के बहुत बड़े लीडर का छत्रछाया था इनके ऊपर, है ना, उसी के चलते उन्हीं के आड़ में जो भी कुकर्म किए सब उसी के आड़ में किए। और हमारे ऊपर जो लगा रहे हैं कि ये ज़मीन का, ये क्या बोले हैं कि ज़मीन का भू माफिया, तो हम तो सुनील भाई से कहेंगे या जो भी अगर बात बोलता है कि एक ठो ऐसा बता दीजिए, पर्ची छपवा के बांट दीजिए, अगर ऐसा होगा तो कल हम बैठ जाएंगे, एक आइटम बता दे कहीं हाँ। यानी कि बदनाम करने के लिए एकदम टोटल, ये देख रहे हैं कि जो हवा चल चुका है, ये हवा को इधर से उधर करने के लिए उसमें बिहारी के बारे में भी बोल रहे हैं कि बिहारी भाई ने ऐसा ऐसा किया, है ना।
तो बिहारी भाई का क्या मतलब है चेयरमैनी से? चेयरमैन वो है, अभी बोल रहे हैं कि दोनों आदमी का सहभागिता है लूट में। कृष्णा ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये बदनाम करने की साजिश हो रही है और जनता जागरूक है, सब कुछ जानती है कौन क्या है। रही बात की अगर एक भी प्रूफ वो दे देते हैं तो फिर से हम मतलब राजनीति छोड़ देंगे। और साथ ही साथ जो इन्होंने अभी कहा है कि वो कैसे आगे बढ़े हैं और इतना पैसा कहाँ से आया है, इसका सवाल जवाब जो है जनता खोज रही है। और इस बार नगर पंचायत मैरवा में ये सब चलने वाला नहीं है। जो माहौल उनका ख़राब हुआ है उससे लोगों को दिमाग को घुमाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ यही बात है, ये सोच रहे हैं कि उल्टा पुल्टा बोल के अथी करेंगे। गांव में जाने के बाद, गांव में जब ये जा रहे हैं तो जब डस्टबिन का बात आता है ना और फॉग का बात आता है, जो लाखों लाख माल ये लोग भजाए हैं, इनके मुंह पर टेप लग जा रहा है, टेप मालूम पड़ता है मुंह को सील कर दिया गया। ये स्थिति अब ज़्यादा नहीं बोलना है, इनके बारे में पुड़िया बना के हम रखे हैं, उस पुड़िया को धीरे धीरे छोड़ेंगे। इनको मार्केट में घूमना बंद हो जाएगा, ये शर्म के मारे ये मार्केट में घूम नहीं पाएंगे, किसी गांव में नहीं जा पाएंगे शर्म के मारे। तो देखिए नगर पंचायत मैरवा का चुनावी माहौल काफ़ी दिलचस्प बन चुका है, खासतौर पर कृष्णा कुशवाहा जिस तरह के चुनावी माहौल में इस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, सबसे असरदार और सबसे जोरदार तरीके से इनका अभी तक का जो है चुनावी दौरा बना हुआ है। और लगातार मीडिया के सुर्खियों में भी इन्होंने खुल करके अपने बातों को रखा है, साफ तौर पर कहा है कि नगर पंचायत का जो सीट है वो भ्रष्टाचारी लोगों के पास चला गया है और ये भ्रष्टाचारी जब तक यहाँ से हटेगा नहीं तब तक हम सांस अपना रोकने वाले नहीं हैं, लगातार हमारा जारी रहेगा संघर्ष। तो क्या कहेंगे जो भ्रष्टाचार को लेकर के आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, कितना पैसा जैसे आप कह रहे हैं कि वो कमा लिए हैं और उनके करोड़ों रुपया कमाए हैं, करोड़ों 45 से 50 करोड़ रुपया 5 साल के रिजिम में खर्चा हुआ है, लेकिन कोई काम शुद्ध नहीं हुआ। दोनों साइड का पॉकेट उनका भर गया, दोनों साइड का पॉकेट भर गया उनका, है ना। इतना लूट पूरे बिहार में शायद कहीं हुआ हो, इतना बड़ा लूट हमको उम्मीद नहीं है कहीं हुआ होगा। ये लोग एकदम बेशरम आदमी है, बेशरम जिंदाबाद, एकदम बेशरम लोग हैं ये। सुशीला देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कृष्णा कुशवाहा लगातार नगर पंचायत चुनाव को लेकर के हमलावर दिखाई दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के इन्होंने सवाल खड़ा किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन के किस्से जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ को में खो गई मैरवा की जनता तो कृष्णा कुशवाहा को खोजने में जमाने लगेंगे, इस तरह का एक माहौल बना हुआ है। और लगातार जोरदार हमला विपक्षियों पर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कृष्णा कुशवाहा ने जो अभी तक का चुनावी माहौल बनाया है इसमें जोरदार तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं और लगातार जबरदस्त धरना कर रहे हैं। जी अपना शुभ नाम बताइए। जी हमारा नाम है डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा। अभी हमारे प्रत्याशी ने जो जिस दम से कहा है कि एक भी अगर अपराध या एक भी तरह का कोई एलिगेशन हम पर लगा दो तो मैं बैठ जाऊंगा, यह शक्ति हमारे कृष्णा जी कुशवाहा में है। हमारी जनता मैरवा नगर की जनता ये मूड बना चुकी है कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और इन भ्रष्टाचारियों को हम झाड़ू से बाहर करके फेंक देंगे। ये बात सुनील मदेसिया बोल सकते हैं कि हम पे एक भी आरोप लगा चुनाव नहीं? जी नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं बोल सकता है मैरवा का, यह बात जो हमारे कृष्णा कुशवाहा ने बोला है। बिल्कुल। तो देखिए जो है ये काफ़ी उम्रदराज व्यक्ति हैं लेकिन जवानी के तरह जो है इनका जोश और जवानी दिखाई दे रहा है और कपड़ा भी जो है नौजवानों के तरह टी शर्ट पहने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी जो माहौल है इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर भी जोश और इस तरह का जुनून दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के हमको कहना है कि विकास के मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं और यह नगर पंचायत जो था हम तो सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, उसमें डायरेक्ट जो है अध्यक्ष का चुनाव कराया है, नहीं तो यह तो व्यवसायीकरण हो गया था। खरीद लो, चेयरमैन बन जाओ, पूंजी लगाओ और पूंजी को पैदा करो और जितना भी नगर का विकास हुआ है हर तरह घोटाला है, हर में चाहे डस्टबिन का घोटाला हो, चाहे कोरोना काल में सैनिटाइजर का घोटाला हो, चाहे भोजन का घोटाला हो, केवल यहाँ घोटाला ही घोटाला हुआ है। गोलबंद हो रहे हैं जी, देखिए तुरंत नारेबाजी हो रही है और भारी समर्थन के साथ कृष्णा कुशवाहा ने इस बार चेयरमैन के चुनाव को बहुत ही मजबूती से लड़ने का जो ऐलान किया है उस तरह का समर्थन भी दिखाई दे रहा है और लगातार यहां नारेबाजी हो रही है। कृष्णा कुशवाहा के पक्ष में लोग लगातार
नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, और ये समर्थन से साबित होता है कि इस बार परिवर्तन की आंधी बह रही है, बदलाव को लेकर के जनता बिल्कुल यहाँ पर मजबूती से अपना इच्छा जाहिर कर रही है। क्या कहेंगे, जिस तरह का समर्थन मिल रहा है कृष्णा कुशवाहा को और आप लोग उनके साथ क्षेत्र में घूम रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? ना, हम क्या कह सकते जी, यानी पूरा समर्थन आप दे रहे हैं? हाँ जी, हम कुछ बोलना चाहते हैं सर। हाँ जी बताइए। हमको विकास चाहिए। हाँ, यह मैं एक कथा का पानी से पहचानिए, काम चोर की घाट अंदर की करने से निकले हम की बात। हाँ। इनसे बाप लोग बात कहे, इनको हमको विकास करना है, हमको विकास चाहिए। देखिए, जनता जागरूक है और विकास के मुद्दे पर इस पर मिजाज बना रही है, चूंकि नगर पंचायत मैरवा की बात करें तो यहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचार को लेकर के सवाल खड़ा हुआ है, और यह सवाल जो है कहीं ना कहीं बहुत लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से जनता आक्रोशित दिखाई दे रही है और साफ तौर पर कह रही है कि भ्रष्टाचार के जो राज है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको सबक सिखाना है, तो इन्होंने देखिए, ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं लेकिन इतना सेंस जरूर है कि इनका कहना है कि विकास चाहिए और व्यवस्था में सुधार चाहिए, इसीलिए आप लोग घूम रहे हैं? हाँ, विकास चाहिए, विकास चाहिए, हाँ विकास चाहिए। हम आइए,